तो भाई देखो, होने को तो कल के दिन भारतीय क्रिकेट में दो बहुत बड़ी चीजें हो रही थी। एक तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच चल रहा था, दूसरी तरफ भैया IPL का अपना ही बवाल चल रहा था, जहां हर टीम को बताना था कि हम किन प्लेयरों को रिटेन कर रहे हैं, किन प्लेयरों को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बावजूद भी एक तीसरी चीज थी जो सोशल मीडिया पे चारों तरफ ट्रेंड कर रही थी, वो एक नाम था। वो नाम पता है क्या था? नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी का। क्योंकि जैसे ही ये रिटेंशन और रिलीज पॉलिसी वाला गेम शुरू होता है ना, सबसे पहला नाम जिस पे चर्चा होती है वो नाम होता है थाला महेंद्र सिंह धोनी का। क्योंकि सबसे पहले CSK ये बात बताती है कि हमने किन प्लेयरों को यहां पे रिटेन किया है और किन प्लेयरों को रिलीज करा है। हालांकि देखो, हर कोई ये जानता था कि MS धोनी जो हैं वो IPL 2024 खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब चेन्नई अपने रिटेन प्लेयरों की लिस्ट यहां पे जारी करती है, सबसे पहला नाम जो लिस्ट में टॉप पे होता है वो नाम और कोई नहीं होता है महेंद्र सिंह धोनी का। तो बस कहीं ना कहीं लोगों को एक और कंफर्मेशन मिल जाता है कि MS धोनी IPL 2024 में दिखेंगे। लेकिन सेम टाइम पे कल के दिन एक और चीज यहां पे कंफर्म हो जाती है कि MS धोनी के बाद वो कौन सा प्लेयर होगा जो चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनेगा। ऐसे 2 से 3 सिग्नल हमारे सामने आते हैं जिससे ये पूरे तरीके से साबित हो जाता है कि यही प्लेयर होगा जो धोनी के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेगा। और ये जो सिग्नल है ना, ये हमें कोई इस IPL वाले खेल के अंदर से नहीं मिलते हैं, बल्कि कल के दिन जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जा रहा था वहां से मिलते हैं। अब देखो, वो सिग्नल क्या थे? उससे पहले जो एक सिग्नल मैं तुमको इतने दिन से लगातार दिए जा रहा हूं, उसको तुम इग्नोर कर दे रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो? जब कह रहा हूं कि भैया बिना टाइम वेस्ट किए एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके एक बार DM कर दो, मस्त भैया चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा छापो, वो सिग्नल तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अब कल के दिन जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, एलेक्स भाई ने क्लियर बोल दिया था कि ये मैच इंडिया ही जीतेगी और बहुत ही अच्छे खासे अंतर से जीतेगी। सेम टाइम पे ये भी कह दिया था कि आज के मैच में ईशान किशन का बल्ला चलेगा, आज के मैच में गायकवाड़ का बल्ला चलेगा, आज के मैच में यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलेगा। और सेम टाइम पे ये भी कहा था कि जो लोग सूर्या पे यहां पे बड़े बड़े दाव खेल रहे हैं, सूर्या यहां पे ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं करेंगे। और देखिए, मैच में ठीक वैसा ही हुआ। इसीलिए कहता हूं भाई, एलेक्स भाई की ताकत को इग्नोर नहीं करने का, जल्दी से जाने का, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके DM करने का, फ्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाने का। और भैया चलते हुए मैच में क्या, मैच के बाद भी, मैच से पहले भी मस्त पैसा कमाने का। और बात सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की नहीं है, ऐसी ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन हर सीरीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड खेली जा रही है सबको लेके वहां पे आ जाती है। तो भैया सिर्फ टीम वगैरह बनाने का काम इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच को लेके क्यों करना है? हर मैच के लिए टीम बनाओ, हर मैच प्रेडिक्शन करो, और जैसा मैंने कहा, मेन काम तो एक ही है कि मस्त भैया पैसा कमाओ। तो फिलहाल आ जाते हैं अपने दूसरे सिग्नल पे, जो जैसा मैंने कहा हमें कल के दिन देखने को मिलता है, जिससे ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि धोनी के जाने के बाद यही प्लेयर होगा जो भैया CSK की कमान संभालेगा। और उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। मैं जानता हूं कि आप पहले से इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं कि गायकवाड़ ही उन प्रबल दावेदारों में से एक हैं, या फिर सबसे प्रबल दावेदार, इकलौते दावेदार हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी खासी कप्तानी करी है और बढ़िया करी है, बढ़िया स्टैट्स रहे हैं, बढ़िया फिगर्स रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, और ये प्रूव करा है कि भैया मेरे पास कप्तानी वाला दिमाग है। और देखो, अगर तुम में से बहुत लोग को नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि गायकवाड़ का जो कप्तानी करने का तरीका है ना भाई, बहुत हद तक MS धोनी से मिलता है। उनके जैसे कप्तान है या उनके जैसे बेहतरीन कैप्टन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो स्टाइल है एकदम काम एंड कंपोज रहने का, बहुत ही शांत रहते रहते, बिल्कुल भी अपने चेहरे पे परेशानी दिखाए बिना, मस्त एकदम तगड़े और डिफिकल्ट डिसीजन लेने का जो बूता था ना धोनी के अंदर, वैसा ही कुछ गायकवाड़ के अंदर है। और देखो, ये बात अभी कुछ ही दिन पहले अंबाती रायडू जब बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में गए थे, वहां भी जब रणवीर ने उनसे पूछा था कि क्या आपको कुछ इस बारे में हिंट मिली है कि एक बार जब धोनी जाएंगे तो वो कौन सा प्लेयर होगा जो CSK की कप्तानी संभाल सकता है, तो रायडू ने वहां पे कंफर्म कर दिया था लगभग कि देखिए, एक ही प्लेयर कप्तानी कर सकता है धोनी के जाने के बाद, और उस
प्लेयर का नाम है ऋतुराज गायकवाड़। देखो ऑफिशियली कभी भी सीएसके ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और लगभग बहुत से दिन ऐसा होता होगा जब इस बारे में अंदर ही अंदर डिस्कशन होता होगा कि धोनी भाई आपके जाने के बाद कौन होगा कप्तान। तो रायडू ने ना देखो सीएसके में पिछले कुछ सालों में बहुत वक्त गुजारा है, तो रायडू बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि किस प्लेयर को कप्तान के तौर पे सोचा जा रहा है। और अगर रायडू ने ये बात कंफर्म करी है ना, तो आप भी भैया अंदर ही अंदर इस बात को कंफर्म मान सकते हैं कि धोनी के जाने के बाद गायकवाड़ का चेहरा आपको सीएसके के कैप्टन के तौर पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन देखो जो मैं सिग्नल की बात कर रहा था ना, वो सिग्नल जो है वो सिर्फ ये रायडू वाला सिग्नल नहीं है भाई। कल के दिन जब यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा जाता है उनके शानदार अर्धशतक के लिए, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा जाता है भैया कैसे खेलते हो, इतना बढ़िया क्या करते हो, जायसवाल सारे सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन सेम टाइम पे जायसवाल से पूछा जाता है ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कि वो कैसे ओपनिंग पार्टनर हैं, और पिछले मैच में जब गायकवाड़ बिना बॉल खेले आपकी गलती के चलते रन आउट हो गए थे, तो क्या आपके बीच कुछ बातचीत हुई थी, कुछ गायकवाड़ ने आपको ड्रेसिंग रूम में जाके कहा तो नहीं था, क्योंकि गायकवाड़ आपसे तो बहुत सीनियर प्लेयर हैं। तो जायसवाल कहते हैं कि गायकवाड़ इतने ज्यादा हम्बल इंसान हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने बेहतरीन इंसान हैं कि जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो मैंने जाके उनको सॉरी कहा कि मेरी गलती की वजह से आप रन आउट हो गए। तो गायकवाड़ भाई ने बस मुझसे इतना कहा कि यशस्वी भाई देखो चिंता नहीं करने का, ये खेल है क्रिकेट का, और इस खेल में सिर्फ अभी ये नहीं हुआ है, अभी आने वाले वक्त में ना जाने ऐसा कई बार होगा, शायद दूसरे एंड पे मैं नहीं खड़ा होऊंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशंस कई बार बनेंगी, तो भैया रात गई बात गई, भूल जाने का दिक्कत की कोई बात नहीं है। और देखो जैसी जायसवाल गायकवाड़ के बारे में स्टेटमेंट देते हैं ना, वापस से चारों तरफ सोशल मीडिया बस यही कह रहा होता है कि गायकवाड़ ने यह बता दिया है कि वो धोनी की कैप्टेंसी के अंडर खेले हैं, गायकवाड़ ने बता दिया है कि सच में वो धोनी से सिर्फ कप्तानी के गुण नहीं सीख रहे हैं बल्कि कैसे एक बेहतरीन इंसान बना जाता है, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल में रखा जाता है, कैसे सबको साथ में लेके चला जाता है, ये सारी बातें सीख रहे हैं। और फिर से दुनिया यही कहने लग जाती है कि हां गायकवाड़ ही होगा धोनी के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का अगला कप्तान। अब देखो असल सत्य तो यही है कि एमएस धोनी आईपीएल 2024 खेलने वाले हैं, अगर कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, तो जब तक धोनी है धोनी ही कैप्टन रहेंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि धोनी भाई ने खुद भी बीच में एक बार कोशिश करी थी कि वो जडेजा को कप्तान बनाए, अपना एज अ प्लेयर खेलें, लेकिन क्या हाल हुआ था सबने देखा, और कुछ ही मैचेस बाद वापस से धोनी को कप्तान बनना पड़ा। तो ये बात तो क्लियर है कि जब तक धोनी कैप्टन है वो कैप्टन बने रहेंगे, लेकिन सेम टाइम पे कैप्टन रहते रहते वो गायकवाड़ को देखो तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम में कप्तानी करने के लिए, जिसकी हिंट जैसा मैंने कहा खुद यहां पे रायडू ने दी है और पहले भी कुछ लोगों ने कंफर्म करा है। तो इस बात को जैसा मैंने कहा आप कंफर्म मान सकते हैं कि गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के नेक्स्ट कैप्टन बनने वाले हैं, बाकी क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर गायकवाड़ बन जाएं तो दिक्कत ही कोई बात नहीं है, एज बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से 7-8 साल वो सीएसके कप्तानी कर सकते हैं, बैट्समैन एक नंबर है, और यहां पे उनसे अच्छा कोई कप्तान फ्यूचर के लिए मुझे नहीं लगता कोई और होगा, क्योंकि सीएसके की ना हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो प्लेयरों को जैसे कंटिन्यू रखती है अपने कप्तान को भी कंटिन्यू रखती है, बाकी टीमों की तरह नहीं है जैसे कुछ टीमें करती हैं कि 2 सीजन ये कप्तान, फिर 3 सीजन ये कप्तान, फिर 2 सीजन ये कप्तान। चेन्नई हमेशा कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखती है, जैसे उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है वैसे ही हमने देखा है कि धोनी की कैप्टेंसी में जो टीम भी रहती है ना चेन्नई की, एक कंसिस्टेंट टीम चलती है, जब तक कुछ बहुत ही बड़ा भैया संकट ना आ जाए तब तक एमएस धोनी एक भी प्लेयर को टीम से बाहर नहीं करते हैं, जो टीम है वो खेलती रहती है जब तक आईपीएल खत्म ना हो जाए। तो इसीलिए गायकवाड़ का और चांस यहां पे ज्यादा हो जाता है कप्तान बनने का, क्योंकि वही एक ऐसे प्लेयर हैं जो लंबे वक्त तक चेन्नई के साथ जुड़े रहेंगे और कप्तानी करके उसी लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे जो लेगेसी एमएस धोनी छोड़ के जाएंगे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या लगता है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ ही बेस्ट चॉइस है धोनी के जाने के बाद जो चेन्नई की कप्तानी संभाले, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उसके अलावा जल्दी से जाके जैसा मैंने कहा कि एलेक्स भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर जल्दी जाके व्हाट्सएप कर दीजिए, मस्त भैया आने वाले मैचेस में पैसा छापिए मेरी तरह, बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।